व्हाई SSD इंस्टॉल लैपटॉप वॉच स्टार्ट फास्ट। मतलब जिस लैपटॉप में SSD इंस्टॉल किया होता है वो लैपटॉप क्यों फास्ट स्टार्ट होता है, 5-10 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाता है। और व्हाई HDD इंस्टॉल लैपटॉप वॉच स्टार्ट स्लो। मतलब जिसमें HDD इंस्टॉल हुआ होता है जिस लैपटॉप में, वो लैपटॉप क्यों स्टार्ट होने के लिए 30-40 सेकंड टाइम लेता है, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिए। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए SSD का जो फुल फॉर्म है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। मतलब ये सॉलिड है, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, ओके। और जो HDD है मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ये पुराना था, मतलब लेटेस्ट वर्जन का ये नहीं है, लेटेस्ट वर्जन का SSD है, ओके। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसमें बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, ओके। देखिए तो स्लो क्यों होता है, मतलब SSD इतना फास्ट क्यों है और HDD इतना स्लो क्यों है स्टार्ट होने के लिए। देखिए मैकेनिकल पार्ट्स इसमें बहुत सारे हैं, मैकेनिकल पार्ट्स बहुत बड़ा डिपेंड्स है, ओके। तो देखिए SSD नो इंक्लूड्स मैकेनिकल पार्ट्स। जो SSD है उसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होता, ओके। इसीलिए जिसमें SSD इंस्टॉल होता है जिस लैपटॉप में, वो लैपटॉप जल्दी से स्टार्ट हो जाता है, ओके। देखिए फोटो, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, ओके। HDD इंक्लूड्स मैकेनिकल पार्ट्स, लेकिन HDD जो है उसमें बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, एक दो मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होता, 5-10 मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। इसलिए जो स्टार्ट होने के लिए सारे मैकेनिकल पार्ट्स चलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा 30-40 सेकंड टाइम लग जाता है। देखिए फोटो में इतने कितने सारे मैकेनिकल पार्ट्स हैं, ओके। दैट रीज़न SSD इंस्टॉल लैपटॉप वॉच स्टार्ट फास्ट एंड HDD इंस्टॉल लैपटॉप वॉच स्टार्ट स्लो, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।